हिमाचल रेड राइस स्पोर्ट में आपका स्वागत है। मैं अजय श्रीवास्तव आज आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि लाल चावल में कौन कौन से गुण हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि लाल चावल जो है गुणों की खान है। पोषक तत्वों से भरपूर, गुणों से भरपूर, औषधीय यह चावल होता है। तो हम जान लेते हैं कि ये गुण जो है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ये चावल में कहाँ विद्यमान रहता है। चावल के बीज या धान के बीज आप सबने देखे होंगे, और जो चावल शेलिंग करने के बाद निकलता है वो लाल रंग का होता है, क्योंकि उसको हम पॉलिश नहीं करते। जो चावल का बाहरी लेयर है उसको हम ब्रैन लेयर भी बोलते हैं, और उसमें ही सारे गुण मौजूद रहते हैं। तो कौन कौन से तत्व मौजूद रहते हैं वो जान लेते हैं। पहले तो हम फाइबर की बात करेंगे। जो फाइबर इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, फाइबर जो है वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ साथ इसमें मैग्नीज है जो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको मेंटेन करता है। अस्थमा के पेशेंट इसको बड़ी अच्छी तरह से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है जो बॉडी में जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, उसको मेंटेन करता है। डायबिटिक पेशेंट इसको बड़ी अच्छी तरह से खा सकते हैं, उनके लिए तो यह वरदान है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 52.6 है, जो कि आप दूसरे अन्य चावलों से या गेहूं के आटे से भी कम है। तो यह वरदान है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट है जिससे एंटी ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जो कि बॉडी में हमारी जो बॉडी है उसमें जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरोधता है, उसको यह मजबूत बनाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पाया जाता है, जो कि उपयोग में ला सकते हैं। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो कि हमारी जो बॉडी है उनमें जो हड्डियां हैं या दांत हैं उनको मजबूत बनाता है, और जो बाल हैं उनको स्वस्थ बनाता है। सिलेनियम कंटेंट है जो कि थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में या हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे गुण इसमें मौजूद हैं। हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। तो इस तरह के गुण इसमें मौजूद हैं जो कि आपको किसी अन्य जो आपके चावल हो सकते हैं, व्हाइट चावल या दूसरे गेहूं उनमें या दूसरे अन्न उनमें ये चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। एक तरह से पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है। तो आइए जान लेते हैं हम किस किस रूप में इसको खा सकते हैं। हम चावल बना सकते हैं, घर में चावल को खा सकते हैं। हम इसकी खीर बना सकते हैं, इसका हम खिचड़ी बना सकते हैं, वेज पुलाव बना सकते हैं, दूसरे पुलाव बना सकते हैं, इसका हम अस्के बना सकते हैं, चकाटी बना सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे जो रूप हैं वो बनाकर इसको हम खा सकते हैं। इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बनाकर अच्छी तरह से खा सकते हैं वो है मीठे चावल या चीला या फ्राइड राइस। इन तरह से जो चीज़ों को हम बना बना कर हम खा सकते हैं, और इन सब रूप में से हम रूपों से इन जितने भी रूप हैं, जितने भी इन तरह की आपकी चीज़ें हैं, उनसे सारे तत्व हमें मिल जाते हैं, और जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ वीडियो, उसके बाद मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। तेजा गांव में आपका स्वागत है। स्वागत करते हैं कृषि नाग देवता समूह पेजा और रेड राइस फार्मर ऑफ रोड। वर्ष 2021 में इन ग्रामीण लोगों को राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार जो प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह एक गौरव की बात थी। समय समय पर ग्रामीण जो हैं पेजा गांव से वो प्रदर्शनी में भाग लेते हैं, और अपने गांव से निकले हुए पदार्थ जो प्रोडक्ट हैं उनको वहां दिखाते हैं। प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित ग्रामीण, 10 लाख का पुरस्कार उन्हें दिया गया दिल्ली में। यह गौरव का विषय था। आपने जाना कि चावल के
चावल से हम कौन कौन से गुण को किस रूप में ले सकते हैं, चाहे वो खीर है, चाहे पुलाव है, चाहे वो चकाटी है, चाहे वो आपकी सिड्डू है, और या किस तरह के जो रूप हैं उनसे हम इनको खिचड़ी के रूप में भी इनको ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं, उसे सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिमाचल। माटी का आनंद रूप में सभी लोग माटी रहते हैं, उसका आनंद चावल के गुणों को किसी न किसी रूप में बेहतरीन तरीके से लिया जा सकता है। लाल चावल बहुमूल्य हैं, सभी गुणों को समावेश करते हुए लाल चावल किसी भी रूप में दर्शाए गए रूपों से लिया जा सकता है। चाहे खीर हो, चकाटी हो या अन्य प्रोडक्ट हो, किसी से भी यह लिया जा सकता है। धन्यवाद।